नवरात्रि स्पेशल थाली यहाँ पे हमने लिया है साबूदाना खीर, आलू टमाटर की सब्जी और कुट्टू आटा की कचौड़ियाँ, कुछ सलाद हमने लिया है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 4 से 5 आलू, हमने इनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके 3 से 4 घंटा हमने इनको ठंडा कर लिया है। आपको टाइम ना हो तो आप फटाफट से बॉईल करके छिलका साफ़ करके ठंडा करके थोड़ी देर और इनको कद्दूकस कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, इनको मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करना है। आपके पास पोटैटो मैशर हो तो आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, नहीं तो कद्दूकस का भी कर सकते हैं। पर हाथों से मैश करेंगे तो ये इनमें गुठली रह जाएगी, जो हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, फट जाएंगी उनको छानते समय, इसलिए इनको कद्दूकस करके ही लें। और इन्हें हमें क्या करना है, अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पे हमने सारी आलू कद्दूकस कर लिया है, यहाँ पे टोटल हमने 4 आलू लिया है और आपको जितना आवश्यकता हो उतना आप ले सकते हो। और यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी सी ऐड कर देंगे मिर्ची। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी मिर्ची ऐड, 4 से 5 मिर्ची हमने यहाँ कद्दूकस वो चॉप किया है, इनको आधी मिर्ची हम ऐड कर देंगे और आधी हम बाद में सब्जी में ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने लिया है काली मिर्च, इनको कूट लिया है, जीरा पाउडर भून के इनको हमने कूट लिया है, और ढेर सारी धनिया ऐड कर देंगे बारीक बारीक चॉप करके। और यहाँ पे हमने लिया है कुट्टू का आटा, और तो यहाँ पे हमने सारे कुट्टू का आटा एक बार में नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना, जितना हमें ज़रूरत पड़े उतना हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक बार में हम सारा आटा नहीं ऐड करेंगे। और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, व्रत में बना रहे हैं तो व्रत वाला नमक ही ऐड करें, यहाँ पे हम व्रत वाला नमक ऐड कर देंगे। और उनको हाथों से मैश कर लेंगे अच्छे से। और इनमें पानी नहीं आ सकता है, पानी की आपको लगे तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच, नहीं तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नॉर्मली ये अच्छे से गूंथ जाते हैं, जिस तरह हम रोटी का आटा गूंथते हैं उस तरह से, तो इस तरह से हम फटाफट इनको गूंथ लेंगे। इनको गूंथने में टोटल 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और आसानी से गूंथ जाते हैं। आपको और आलू की आवश्यकता हो तो और आलू ऐड कर सकते हैं, पर हमें अभी नहीं ज़रूरत है, तो हम इस तरह से ऐसे ही मैश कर लेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो रेसिपी आप सबको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और ये देखिए, हमारी आटा जो है हमने गूंथ लिया अच्छे से और रख दिया कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए, और बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। तो बेलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छे से बेलेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसमें आटा लगाना पड़ेगा सूखा। तो हमने सारा आटा गूंथ लिया था तो आटा नहीं थे हमारे पास, तो हमें क्या करना है, इस तरह से जो जिसमें आटा आया था कुट्टू का आटा, वही पॉलीथीन है, हमने इनको इस तरह से कट कर लिया है और इनको इसी सहायता से हम अच्छे से बना लेंगे और बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। और ये देखिए फटाफट से बन जाते हैं, ना बेलने की झंझट है और ना लोई करने की झंझट है। और इस तरह से दबाइए, प्रेस करिए और फटाफट से हमारी पूड़ी बन गई है। ये देखिए हमने 2 बना लिया है, आप जितना आपको छोटी बड़ी पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हैं। हम नींबू के आकार में, जितना बड़ा नींबू होते हैं उतनी बड़ी हम लोइयाँ ले रहे हैं। तो इसी तरह हमने 2 बना लिया है और बाकी हम बना लेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सबको रेसिपी मेरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो ना आई तो पसंद आई हो आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इनको हम लो टू मीडियम पर इनको सेकेंगे, तेज आंच पे सेकेंगे तो ये ऊपर जल सिंक जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए हमारी कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ बनके तैयार हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए सारी कचौड़ियाँ हमारी फूली हैं। तो ये सीक्रेट है कि आप कद्दूकस करके ही आलू लें। तो हम प्लेट निकाल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे साबूदानी खीर बनाया, खीर की रेसिपी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और कुट्टू का आटा कचौड़ियाँ मैंने बना लिया, सब्जी मैंने नहीं वीडियो शूट किया क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ फ्रूट लिए हैं, सलाद फ्रूट का हमने सलाद बना लिया है। वो आपको जो अवेलेबल पसंद, जो आपको फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हो। और वीडियो आप सबको कैसे लगे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय।